अबे गाड़ी रोक बे ओए चूतिया, गाड़ी साइड लगा, लात मार दूंगा। गाड़ी साइड लगा। कहाँ थूपा है भैं? इधर आ, क्या थूपा है? क्या थूप दिया? गंदी गलती तूने पूरी यार, गलती से बच्चा है यार, गलती। अरे बच्चा तो देख के थूपना, तेरे को कब से नोटिस कर रहा हूँ मैं। अबे एक थपाड़ा दे दूंगा नीचे, आवाज में बात करो ए, समझा ले। अभी एक थपाड़ा दूंगा ना तो पूरी अकड़ निकाल दूंगा अभी। सो हेलो गाइस, दिस इज बॉय रुद्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी ओर से एक न्यू वीडियो में। सो यार गाइस, काफ़ी समय बाद ब्लॉग आ रहा है अपना, जैसे गाइस आप लोगों को पता होगा। तो गाइस थोड़ा सा अभी हेलमेट, मुझे ज़्यादा वेट लग रहा है हेलमेट का। तो गाइस आज निकल गए हैं न्यू रोड के तरफ, और गाइस अभी टाइम हो रहा है 11:30 समथिंग का गाइस हो रहा है टाइम। और सिर्फ गाइस ब्लॉग आने का ना रीज़न गाइस यही था, क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे, उसके वजह से गाइस मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए गाइस मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रहा था। हाँ, हालांकि गाइस मैं इंस्टाग्राम पे भी उस तरीके का एक्टिव नहीं था जिस तरीके का गाइस मैं पहले एक्टिव रहता था। जैसे गाइस आप लोगों ने फॉलो करके रखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, बीच में गाइस मुझे मीटर के काम से इंदौर वगैरह भी जाना पड़ा था, तो गाइस बहुत ज़्यादा डिले हो गया। और गाइस देखो, मेन डिले से मीटर के पीछे हुआ था, क्योंकि यार जो कंसोल नहीं दिख रहा था ना, तो गाइस जब तक वो राइट करने का फील नहीं आ रहा था। पर गाइस अब मीटर भी आ चुका है, जैसे गाइस आप लोग देख सकते हो। और गाइस मैंने इसकी सेफ्टी के लिए इसमें प्रॉपर तरीके से, जो अपन बोलते हैं ट्रांसपेरेंट वाली जो पॉलीथीन होती है, गाइस वो पूरी तरीके से कवर करवा दी है। बिकॉज यार जो न्यू मीटर होता है ना, उसमें भी पानी आता है, थोड़ा बहुत आता ही है। जैसे आप लोगों को पता होगा, कभी अपन गोपलो का वाटरप्रूफ केस यूज़ करते हैं तो उसमें ओस के कारण अंदर भी पानी आता है और बाहर भी पानी आता है। उस तरीके से गाइस मीटर का भी यही सीन रहता है। और गाइस ये ड्यूक 200 के मीटर में तो प्रॉब्लम है ही, पानी तो आता ही आता है। आप यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी उठा के देखोगे ना तो पानी तो आएगा ही। तो यार गाइस अभी मैं हूँ न्यू रोड पे और जा रहे हैं गाइस, अभी अपन चलते हैं एमपी नगर साइड वाली रोड पे। और गाइस मीटर आने के बाद गाइस थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी समय से गाइस स्पीड नहीं देखी थी। और गाइस 2 से 3 दिन पहले गाइस जो ये मीटर है ना, वो मीटर लगा है। और गाइस आज से मैंने फिर से डेली ब्लॉग्स स्टार्ट कर दिए, तो गाइस डेली ब्लॉग्स आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। हाँ गाइस, मुझे पता है बहुत ज़्यादा डिले हो गया ब्लॉग वगैरह डालने में। तो यार गाइस अब थोड़ा सा गाड़ी को पुल करके देखते हैं, एक्सेलरेट करके देखते हैं। गाड़ी रोक बे ओए चूतिया, ओए गाड़ी रोक, गाड़ी साइड लगा, लात मार दूंगा। गाड़ी साइड लगा। इधर आ, क्या थूप है? क्या थूप दिया? किसने थूप है? ये किसने थूपा? डोन बनना जी मुझे। तो थूपा कैसे तूने? ज्यादा कड़ बता रहे क्या? एक थपाड़ा दूंगा, कब से नोटिस कर रहा हूँ तुम लोगों को। क्या तुका जाता है भैया? क्या तुका जाता है? कैसी गाड़ी गंदी कर दी तूने पूरी यार, गलती से बच्चा है यार, गलती। अरे बच्चा तो देख के थूपना, तेरे को कब से नोटिस कर रहा हूँ मैं। अबे यार मैं इतना सुंदर क्यों हूँ? अबे एक थपाड़ा दे दूंगा नीचे, आवाज में बात करो ए, समझा ले। अभी एक थपाड़ा दूंगा ना तो पूरी अकड़ निकाल दूंगा अभी। मारने वारने वाली बात नहीं, गाली कैसे, गाली में थूका कैसे तूने? अरे तो तुम एक नंबर का चूतिया हो यार। तो थूपते है तो गाड़ी में कैसे थूपा? जानता है मुझे कौन है तू? जानता है मुझे? गाड़ी साफ करेगा, नहीं जाने भी नहीं दूंगा। चल साइड हट, हट भोसड़ी के। चल अब, चल थाने से छुड़ाना। अकल कैसे दिखा रहा है? चाबी मतलब एक थपाड़ा दूंगा ना, वो समझा ले इसे। एक तो इतना सा लगा है, बच्चा समझ के कुछ बोल नहीं रहा, मार दूंगा एक। थूपा गलती है या नहीं तेरी, ये बता। थूपा क्यों? थूपा कैसे? गलती है थूपा ज्यादा। तू कब से पीछा कर रहा है? क्या? अरे गाड़ी गिर गई, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। सुन, कब से पीछा कर रहे हो तुम लोग? पीछा देख के थूपा तूने? साफ कर, इधर साफ कर। नहीं करेगा साफ? चल थाने से छुड़ा लेना, चल छुड़ा लेना थाने से। साफ कर रहा है या थाने लेके चलूं? छोटा है ना, इसलिए इज्जत से बात करो। इतने देर में तो छेदा थवाड़े तेरे में मैं मार देता अभी तक। साफ कर, कहीं का नेता है क्या?
छोटा समझ के कुछ बोल नहीं रहा, तमीज में बात करा ना, जानता नहीं अभी। हाँ एक थपाड़ा दे दूंगा अभी, लेकर गाड़ी साफ कर ले, कर साफ, ये ले कर गाड़ी साफ कर, आगे से कर और अच्छे से करना, कर अबे कर नहीं, एक थपाड़ा दूंगा अभी कर। हाँ उससे हमें कोई मतलब नहीं, गाड़ी साफ करा भाई, तू तू थोड़ा समझदार लग रहा है इसलिए तेरे से बोल रहा हूँ, अभी तुरंत थाने में गाड़ी बंद करा दूंगा। हाँ करो भाई, अरे मैं तुम्हें कब से नोटिस कर रहा हूँ यार, तुम करना क्या चाह रहे हो, आगे पीछे कर रहे हो, अच्छे से पहुँच भाई, दोबारा पहुँच, अभी तू लाई थी गाड़ी मैंने, दोबारा पहुँच गाड़ी, छोटा समझ को उसको कुछ बोल नहीं रहा है, मुँह चला रहा है, इज्जत आती नहीं आती करनी, वो सब छोड़ चल, तूने थूपा मैंने गाली दी तेरे को, गलती है ना तुम्हारी, मुझे भी नहीं पता तुम, आप अकड़ के बात कर रहा यार, अकड़ के यार तुम बताओ, 3 लाख की गाड़ी कोई थूपेगा अच्छा लगेगा क्या? अरे भाई हमारे ऊपर ही थूका था यार। अरे थूपने वाली बात नहीं, तुमने थूपा था, तुम तुरंत रुक के सॉरी बोल देते, मैं कुछ बोला, मैंने तुम्हें गाली दी, किसी को भी गाली दी मैंने, तो भाई हमको ये भी नहीं पता आप आ रहे नहीं आ रहे, जिस में भाई मैं तुम रोकने से पहले बोल देते भैया सॉरी गलती से हो गया, मुझे पता है 10 लोग थूप देते हैं चलते फिरते, मैंने पीछे नहीं देखा, मैंने कुछ यानी कुछ भी थूपा तो दूसरे पे गया, तो भाई अपना फर्ज क्या बनता, सॉरी बोलना बनता नहीं बनता, तुम सॉरी बोलने की जगह अकड़ दिखा रहे हो, मेरा क्या अभी दे दूंगा थाने पे, क्या हो जाएगा मेरा, गलती हो गई, मैं हेलमेट लगाओ ना, हेलमेट लगाओ, गाड़ी आराम से चलाओ, इसका एयर फिल्टर नहीं है क्या, क्या नहीं है इसका एयर फिल्टर, नहीं है क्या, नहीं है इसका, आपने सिखा दिया आपसे रोड में, आराम से देखो धूप, देखो गलती होती है, गलती को सुधारा भी जाता है, तुम सब मेरे छोटे भाई जैसे हो, मेरा कुछ नहीं, चाबी लेके आगे वाले थाने पे दे दूंगा, तुम्हारी गाड़ी के कागज वागज भी नहीं होंगे, इतनी पुरानी लग रही है वो, सीज हो जाएगी क्या, मतलब आ रही है ना समझ, हर चीज अकड़ से नहीं करी जाती है, ये चीज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी गलती है उसे एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भैया गलती हो गई हमसे, सॉरी मैंने गाली दी क्या तुम लोगों को, नहीं दी, आराम से रहो, थोड़ा एक कैमरा है सब रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा? हाँ क्या बनाते थे आप? वो मेरी थोड़ी वीडियोस वगैरह बन रही थी इसलिए आइंदा समझा रहा हूँ, कभी भी अपनी गलती हो, नहीं नहीं यूट्यूब पे नहीं डलेगी, कभी भी अपनी गलती हो तो सॉरी बोल दो, रुक के वहाँ पे मैटर क्लियर हो जाता है, ठीक है, समझ गए, समझ गए ना, आराम से गाड़ी चलाओ, गाड़ी में 3 लोग बैठे हो, कोई पुलिस वाला पकड़ ले, तुम्हारी गाड़ी साउंड कैसा कर रही है, साउंड सुनाओ मुझे एक मिनट, इसको इस कपड़े को फोल्ड करो, कपड़े को फोल्ड करो ऐसे करके, ये देखो बंद कर लो, बंद कर लो, हो गया बंद कर लो, अब देखो तुम साउंड कैसा कर रही तुम्हारी गाड़ी, अब तुम रोड पे भगाओगे कोई पुलिस वाला पकड़ लेगा तो तुम्हें अंदर नहीं कर देगा, भलाई के लिए बोल रहा हूँ, आराम से गाड़ी चलाओ, स्लो चलाओ, अभी छोटे हो, तुम्हारी कोई उम्र नहीं है लड़ाई झगड़े करने की, और गुटखा मत खाना आइंदा, घर वाले मना नहीं करते क्या? नहीं सर उन्हें पता नहीं भैया, सर पता नहीं, तुम समझदार लग रहे हो मुझे थोड़ा, समझ गए ना, ठीक है छोटे जाओ आराम से, ढंग से बात करना सबसे, ठीक, हाँ आज की बात आजू बाजू देख के सीनना, सॉरी बोलो सब, तीनों सॉरी बोलो, चलो आराम से जाओ, तीनों आराम आराम से चलना, ठीक है चलो आराम से जाओ, ठीक है ठीक है, बाय 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 बाय। अरे यार गाइस देखो मेरा मोटिव कभी भी ऐसा नहीं रहता है कि किसी को परेशान करूं, पर यार गाइस देखो अपनी गाड़ी में इतना गंदी तरीके से थूक दिया था ना कि मुझे बोलना ही पड़ा, यार समझाने से काम हो जाए तो कौन पुलिस वुलिस तक जाए, छोटे हैं बचपन में हमने ही बहुत हरकतें की है, तो यार गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से, गाइज इतना तेज साउंड आ रहा है ना इनकी गाड़ी का, गाइज मेरी गाड़ी का साउंड कम आ रहा है इनसे, इतना तेज इनका साउंड आ रहा है, यार वो बात नहीं है, आपसे बाय मिस्टेक हो गया या गलती से हो गया, वो चीज़ को एक्सेप्ट करके अपनी गलती मान लेनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने आप में कि नहीं 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 हमारी गलती नहीं है, सब थूकते हैं, ऐसा नहीं होता है। गाइज आगे जाता हूँ, गाड़ी दिखाता हूँ आप लोग को, ग्राफिक क्या क्या मैंने करवाया है अभी इस पर, तो गाइज यहीं पे मैं अपनी गाड़ी लगा लेता हूँ, तो गाइज देखो पहले तो ओवरऑल मैं अभी अपनी गाड़ी का आप लोगों को लुक दिखा देता हूँ, गाइज ओवरऑल लुक है मेरी गाड़ी का, जैसे ही गाइज आप लोग देख सकते हो, देखो गाइज एक्सीडेंट होने के बाद जैसे आप लोगों को पता होगा मेरा बहुत बेकार वाला एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट होने के बाद मैंने ये नंबर लिखवाए हैं यहाँ पे, उसके बाद गाइज जो अपना दूसरा काम है गाइज वो क्लासी मोटो वर्ल्ड गाइज वापस से मैंने यहाँ पे लिखवा लिया, जो कि गाइज बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा दिखता है, और गाइज जो तीसरी चीज़ है ना गाइज वो मैंने स्पीडी लिखवाई है यहाँ पे, जैसे देख सकते हो गाइज ये भी बहुत ज़्यादा क्लासिक लगता है, बाकी गाइज जो अपने जो टैंक वाला स्टिकर था ना वो अपन लोगों ने निकलवा के गाइज यहाँ पे लगवा लिया है, बाकी गाइज सबसे मेन चीज़ ये हिंदू की नंबर प्लेट लगवाई है गाइज,
प्राउड टू बी हिंदू। जिस जिसके पास गाड़ी है, छोटी गाड़ी हो बड़ी गाड़ी हो, हिंदू की प्लेट लगवाओ। मेरे इधर 250 में भी लगी हुई है एंड 200 पे भी लगी हुई है। बाकी गाइज यहाँ रुद्राक्ष सोनी पहले से लिखा हुआ था। इसके बाद गाइज अपन ने यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से लिखवाया है जय श्री राम, जो कि गाइज काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी आता है। उसके बाद गाइज यहाँ पे अपन ने फिर से इंस्टाग्राम आईडी लिखवा दी, जो कि गाइज अपनी चेचिस होती है, उसमें गाइज अपन ने रुद्राक्ष सोनी लिखवा दी है। बाकी गाइज देखो टायर का दिखाऊँ तो टायर का देखो आप लोगों को आई थिंक समझ में ना आए मैंने क्या करवाया। देखो गाइज ये मैंने ब्लैक ब्लैक करवाया टायर में, ये यहाँ से लेके हाफ जो व्हील है ना उसमें गाइज मैंने दोनों साइड करवाया एंड गाइज जो अपना पीछे वाला व्हील है उसमें भी करवाया है। तो गाइज काफ़ी अच्छी लग रही है गाइज, अभी गाड़ी देखने में दूर से थोड़ी भरी भरी लग रही है। और गाइज लास्ट टाइम जब मैंने हिंदू वाली नंबर प्लेट बनवाई थी तो किसी ने जलन के कारण गाइज उसे तोड़ दी थी, तो काफ़ी बुरा लगा था यार, ऐसा मत करा करो। मतलब गाइस ये मैं बोल सकता हूँ दिक्कत मेरे से नहीं है, दिक्कत ये नंबर प्लेट से ना, दिक्कत गाड़ी से भी नहीं होने सिर्फ नंबर प्लेट से दिक्कत है। तो गाइस मैं भी ये बोलने वाला हूँ जिसको दिक्कत है, हो गए 20 तोड़ोगे जितनी बार तोड़ोगे उतनी बार आप लोगों को ये नंबर प्लेट दिखने वाली है। जिसने भी तोड़ी हो आई नो हेटर्स ही होगा वो मेरा। तो गाइस अब अपन यहाँ से निकलते हैं और गाइस वीडियो को भी एंड करते हैं और गाइस अभी गाड़ी को भी वॉश वगैरह करवाएंगे। यार गाइस एक अलग ही टाइप की स्मेल आने लगती है गाइस गुटके की, क्या पता क्या खा रहा था। दिमाग तो गाइस ऐसा ख़राब हो रहा था कि एक दो थपाड़े दे दूँ, पर गाइस छोटा था इसलिए मेरा दिल गवारा नहीं करा। तो गाइस यहाँ से निकलते हैं अपन, आगे पीछे कोई नहीं है, बहुत टाइम बाद हेलमेट लगाया हूँ तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है गाइस, वही चीज़ है। तो यार गाइस अब मैं वीडियो एंड करता हूँ। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ गाइस बेल के आइकन पर क्लिक कर देना जिससे मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और गाइस इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आपसे कंटिन्यू ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। तो अब से आप लोगों को मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगी। तो गाइस अब वीडियो को एंड करते हैं, टाटा बाय बाय। तो गाइस फ्लाई बाय दे देते अपना।